है गाइस, तो आज हम लोग नज़र डालेंगे कुछ टाउन हॉल 15 के अटैक्स के ऊपर। और ये जो अटैक है देख सकते हो बैटल ब्लिम के साथ करा गया है, अपना सुपर एचर ब्लिम। और इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है एक तीर से दो निशाना। देख सकते हो वार्डन के एबिलिटी की वजह से जो अपना बलून है इसके मोनोलिथ को टेक डाउन कर लिया, और अपना जो सुपर एचर है वो पहुँच चुके हैं टाउन हॉल के तरफ। और देख सकते हो गाइस इनविजिबिलिटी स्पेल के मदद से अपना जो टाउन हॉल का है इसको टेक डाउन ऑलमोस्ट कर दिया। हाँ, टाउन हॉल टेक डाउन हो चुका है, एक इन्फेनो गैस ख़त्म हो चुका है, दो एक एक्सपो ख़त्म हो चुका है, दो एक्सपो ख़त्म हो चुका है, और गैस और लास्ट एक इन्फेनो बचा है। क्या ये इन्फेनो टेक डाउन हो जाएगा? ओ माय गॉड गाइस, दोनों इन्फेनो जो है वो ख़त्म हो चुका है, एक एक स्केटर शॉट है वो बच गया है, किंग आ चुका है हम लोगों का, दो मिनियंस आ चुका है फनेल के लिए, और फनेल ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी अपना जो क्वीन वगैरह सब आ जाएगा, तो ये स्टोरेज तोड़ते ही अपना इलेक्ट्रो टाइटन भी आ चुका है जो कि ग्राउंड स्केल्स वगैरह को टेक डाउन कर लेगा इसी तरीके से। और किंग और जो अपना इलेक्ट्रो टाइटन है वो आ चुका है इधर से, और दूसरी तरफ जो है फनेल थोड़ा बहुत क्रिएट हो चुका है अच्छा खासा मिनियंस की मदद से। एक वॉल ब्रेकर है हम लोगों के पास, सॉरी नॉर्मल वॉल ब्रेकर यूज़ करा गया है, सुपर वॉल ब्रेकर नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल गाइस तोड़ चुका है किंग ने, और किंग और क्वीन धीरे धीरे अंदर जाते हुए, और जो अगर ये जो क्वीन है इसको टेक डाउन कर लेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, एक एयर डिफेंस भी हम लोगों को मिल जाएगा, और एयर डिफेंस मिल चुका है, एनिमी क्वीन मिल चुका है। और गाइस बचा क्या है इस स्पेस में? कुछ भी नहीं बचा है गाइस, अभी जो है अपना लाबालून चालू हो जाएगा तो किंग एबिलिटी की मदद से, और एक अगर मिल जाए अपना एयर डिफेंस तो बहुत बढ़िया रहेगा। आरसी को कोर पे डाला गया है, टारगेट है अपना स्केटर को टेक डाउन करने का, और जो है स्केटर इजीली टेक डाउन कर लेगा। लाबालून का पोर्शन आ चुका है हम लोगों का, देख सकते हो गाइस बहुत बढ़िया चल रहा है अपना अटैक। एक लाबा जो है फट चुका है, पॉप निकल चुका है, और चारों तरफ से बलून ने घेर लिया है, और देखते देखते गाइस दोनों लाबा भी फट चुका है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। स्पेल की अगर बात करो हम लोगों के पास अभी कोई स्पेल नहीं बचा है, ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आरसी विथ पेट के साथ जिंदा है, एबिलिटी गाइस ख़त्म हो चुका है, और जो है वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, क्लीन अप ही बचा है। और गाइस ये जो बेस है बहुत अच्छी तरीके से पीट चुका है, और ये बेस जो है 3 स्टार, 2-3 स्टोरेज और जो है बिल्डिंग्स बाकी हैं अभी भी। और ये जो है ये बिल्डिंग होने के बाद ही हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अटैक की तरफ, और ये जो लेबोरेटरी था ये भी ख़त्म हो चुका है, तो ये आ चुका है हम लोगों का बस नेक्स्ट बेस। और ये जो बेस है ये रिंग बेस है, इसमें यूज़ करा गया है सुपर बॉलर आर्मी, और अभी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल चल रहा है ओवरकिल हो जाता है वो है सुपर बॉलर का आर्मी। तो दोनों साइड से फनल लिया जा रहा है, और जो प्लान है इसको मेन कोर में जो है अपना मेन पुश जो सुपर बॉलर का आर्मी को इसको पुश कर देना है। एक इनविजिबिलिटी जो का टावर जो है, इनविजिबिलिटी स्पेल टावर जो है, ये है मोनोलाइट और टाउन हॉल के नज़दीक पे, ये दिक्कत दे सकता है हम लोगों को जितना लगता है। और अभी फनल जो है प्रॉपर बन रहा है, अभी प्रॉपर फनल नहीं बना, ये स्केटर अगर मिल जाए तो प्रॉपर फनल जो है अपना मिल जाएगा। तो स्केटर बहुत सर ज़्यादा डैमेज अभी हो चुका है, और थोड़ी देर में जो अपना स्केटर है ये टेक डाउन हो जाएगा, और दूसरी तरफ के जो स्केटर है इसको वार्डन क्या ले पाएगी? अगर ये स्केटर भी मिल जाए तो फनल तो बहुत अच्छा प्रॉपर फनल बन जाएगा। अभी फिलहाल जो है वार्डन के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो एक फ्रीज कर दिया गया है, किंग आ चुका है अपना, और दूसरी तरफ से क्वीन आ चुके हैं, दो आज गुलम आ चुके हैं, वार्डन को पकड़ लिया है क्वीन ने, एनिमी क्वीन ने, और ये बहुत समस्या हो गया अभी गाइस, बहुत बड़ा समस्या हो चुका है, क्योंकि वार्डन का एबिलिटी बिना कारण ही लॉस करना पड़ा हम लोगों को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक रेस स्पेल आ चुका है, हीलर आ चुका है, पॉइजन इनविजिबिलिटी स्पेल टावर को कर दिया गया है फ्रीज, और इनविजिबिलिटी ने कर दिया इनविजिबल टाउन हॉल को, फिर भी टाउन हॉल टेक डाउन हो चुका है बॉलर के जो स्मैश है इससे। और दूसरी तरफ से आरसी आ चुका है अपने पैट को लेकर, सिंगल इन्फोनो जो है वो एक एक करके जो दिक्कत दे रहा है, और आइस गोलम जो फटने की वजह से जो बहुत अच्छा फ्रीजिंग इफेक्ट मिल चुका है हम लोगों को। ईगल बचा है अभी भी, और एक सिंगल बचा है, और गाइस देख सकते हो बहुत सारे आर्मी इधर बचा है, एक फ्रीज हम लोगों के पास और भी बचा है। और दूसरी तरफ से अपना यति निकल चुका है, क्रेन के सेल से फ्रीज कर दिया गया है सिंगल टारगेट को, और सिंगल टारगेट को जो है अपना आरसी इजीली टेक डाउन कर लेगा और कर ले, और एक सिंगल बचा है गाइस। और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, और गाइस देख सकते हो ये भी सिंगल डाउन हो चुका है, थोड़ा बहुत क्लीन अप बचा है, और गाइस फाइनली ये जो बेस है ये भी 3 स्टार हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ, और ये जो बेस है गाइस ये थोड़ा अलग सा बेस है, अलग अलग जगह में अलग अलग
डिफेंस को रखा गया है 4-4, 6-6 करके, बहुत सुंदर सा बेस है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम सुपर बॉलर की मदद से जो है वो टेक डाउन कर लेंगे। तो वार्डन आ चुका है दूसरी तरफ, जब अपना सेज आ चुका है तो कि फनल जो है प्रॉपर बन जाए, और दूसरी तरफ से अपना वार्डन जो है वो फनल ले रहा है, और एक तरफ से अपना सेज फनल ले रहा है। तो ऑलमोस्ट फनल मुझे जहाँ तक लग रहा है प्रॉपर बन जाएगा। तो एक कोना फनल हो चुका है, दूसरी जगह पे जो स्कैटर है सो एक्सपो है, एक्सपो का रेंज पे अभी तक नहीं गया, तो एक्सपो के रेंज में जाने से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक्सपो थोड़ा अच्छा खासा डैमेज पड़ चुका है एक्सपो को, और फाइनली एक्सपो के रेंज में आ चुका है अपना जो सीज है, ये बहुत दिक्कत देगा। और फाइनली सीज जो है फट चुका है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फाइनल हम लोगों को मिल चुका है प्रॉपर। अभी आ चुका है किंग और आइस गोलेम वगैरह, अभी एक वॉल ब्रेकर आएगा, सुपर बॉलर्स आ चुके हैं, ओके सब कुछ अभी बढ़िया चल रहा है। विचेस आ चुके हैं बिहाइंड, और अपना जम भी डाल चुका है, और एक जम है हम लोगों के पास, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है एक क्रेज आएगा, ओके वार्डन एबिलिटी थोड़ा अर्ली, एनिमी क्लीन कैसल निकल चुका है, पॉइजन डाल दिया गया है, हीलर बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग करते हुए सारे ट्रूप्स वगैरह को, और टाउन हॉल का स्टेक डाउन हो चुका है। मगर ये जो टाउन हॉल का पॉइजन डैमेज है ये बहुत दिक्कत कर रहा है हम लोगों को। दूसरी तरफ से अपना जो है आरसी आएगा, तो आरसी को अभी तक डाला नहीं गया, और फाइनली आरसी को भी उतार दिया गया है। और गाइस देख सकते हो कोर तो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर हीलर 1 HP बचा है, शायद हीलर थोड़े बच जाए तो मज़ा आ जाएगा। दूसरा जम जो है वो भी डाल दिया गया है, और गाइस अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो हीरोज अपना बचा है, आरसी बचा है एबिलिटी के साथ, और अपना क्वीन भी बचा है एबिलिटी के साथ, तो ये बेस तो गाइस हो जाएगा 3-star किसी ना किसी तरह। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये गाइस 2 बिल्डिंग अभी बचा है, और गाइस फाइनली ये जो बेस है ये हो चुका है 3-star। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।